हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सब लोग, मुझे पता है आप लोग इस समय एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल बिजी हो, तो मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम। ये मैंने सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए बनाया हुआ है, पर आप इसको टैलेंट टैक्स में जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। तो क्या चीज़ है, देखो सिली मिस्टेक्स, पहले तो समझ लो कि सिली मिस्टेक्स क्या है। सिली मिस्टेक्स जो है ना, ये होती हैं बिकॉज आइदर वी आर टू इग्नोरेंट और टू श्योर अबाउट द थिंग्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये उन चीजों में होती हैं जो चीजें आपको आती हैं, जो चीजें आपको नोन हैं, ठीक है। जो चीजें आपको आती नहीं उसको सिली मिस्टेक्स नहीं बोलते हैं, उसको बिग मिस्टेक्स बोलते हैं कि आप ये चीज पढ़ के ही नहीं गए। सिली मिस्टेक्स वहां होती हैं कि जो चीजें आपको आती थी लेकिन आप वो गलत कर रहे, ठीक है। सो यू कमिट दीज मिस्टेक्स वेन यू आर इन अ हरी। एग्जाम में आप जल्दी में होते हो क्योंकि टाइम कम रहता है, अंडर प्रेशर, टाइम का प्रेशर रहता है, ठीक है। सम टाइम सम मिस्टेक हैज बिकम योर हैबिट। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आपकी हैबिट बन जाती हैं कि भाई आपको ना डिविजन या फ्रैक्शन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ ही रही है। फ्रैक्शन सॉल्व करते हो आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, या बॉड मास अप्लाई करते हुए आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो। समझ रहे हो, आप इसको रिलेट कर सकते हो अपनी हैबिट से। और ये एग्जामिनेशन हॉल में भी रिपीट होती हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल क्या है? एग्जामिनेशन हॉल तो बिल्कुल मतलब डी डे है ना, फाइनल है, आप फाइनल खेल रहे हो, और ये सिली मिस्टेक वहां करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी रैंक और मार्क्स पे फर्क डालेगी। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ मिस्टेक्स मैं पॉइंट आउट करूं और आपको बताऊं कैसे अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक क्या है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमें पता है इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं है केयरफुली। आप गलत करते हो। सारी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो, कितना टाइम में आपको पेपर करना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कौन कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं करने हैं। अभी मेरे को एक यूट्यूब पे किसी ने कमेंट पूछा कि बायोलॉजी का अटेम्प्ट करना है या मुझे मैथ का करना है या दोनों करना है। मतलब टैलेंट टैक्स का एग्जाम है भाई, चार सेक्शन उसमें आएंगे, आपको चारों अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और इनफैक्ट पांच सेक्शन, पांचों अटेम्प्ट करने हैं। तो इस किसी भी तरह का ये आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कौन सा अटेम्प्ट करना है नहीं। और अगर है तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो, एग्जाम पे जल्दी पहुंचो, जो टाइम बोला गया उसमें पहुंच के वहां बैठो। नेगेटिव मार्किंग देखो, इसमें 8 से 10 तक के लिए नेगेटिव मार्किंग है टैलेंट टैक्स के एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी है। शायद 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, ठीक है। कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, कितनी टाइम लिमिट है? कई बार लोगों को लगता है 3 घंटे का पेपर है, जी नहीं, आप ध्यान से देखो 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के पता चलती हैं। तो कभी भी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिस मत करो, टाइम से पहुंचो, टाइम से पहले पहुंचो और इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ो। उसके बाद जब आपके पास में पेपर आ गया तो हम जो कॉमन मिस्टेक सबसे गंदी करते हैं वो क्या होता है, हम क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को मिसरीड करने का मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपसे पूछा गया व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, सिंपल सी चीज पूछी गई है कि कब हुआ, और आपने पढ़ लिया वेयर डिड, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि आप सिली मिस्टेक करोगे तो उसका मिस्टेक का जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन मिसरीड किया। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, फिंगर रीडिंग की जो हैबिट डेवलप कर लो। अगर आप केयरफुली वैसे नहीं पढ़ पाते हो, क्वेश्चन पे ऐसे फिंगर रखो, इस तरह से पढ़ना शुरू करो जिससे आपको पता रहे कि क्या पढ़ रहे हो। मतलब क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही पढ़ना है, उसी का आंसर निकालना है। उसके बाद पे अटेंशन टू यूनिट एंड कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मैथ्स में। सपोज आपको कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, उसमें डेटा दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और आपसे आंसर पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, और आप मीटर पर सेकंड में ही निकाल कर चले आए और वो ऑप्शन भी था आपका गलत हो गया, या रिवर्स है। सपोज डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आपसे मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा गया, ठीक है। तो यूनिट पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या है ना कि कैलकुलेशन हमेशा प्रॉपर राइटिंग करके लिखो। सपोज आप लिख रहे हो 2 बाय 2 प्लस 4, तो ऐसे प्रॉपर लिखो। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं 2 बाय 2 प्लस 4, इस तरह करके कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 2, और हमें ही नहीं पता चलता हमने क्या कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट होता है और गलती होने के भी चांसेस हैं। अगर आप अपनी मेंटल कैलकुलेशन पे श्योर नहीं हो तो जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, रफ वर्क में भी जो कर रहे हो, उसको प्रॉपरली राइट करो, ठीक है, कि आपको पढ़ने में आए। पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 स्टेप की कैलकुलेशन की, 5वें स्टेप पे पहुंचे तो पहला स्टेप समझ ही नहीं आ रहा देख के कि क्या किया हुआ था, ठीक है। तो जल्दीबाजी इतनी भी नहीं करनी है, जब आप उस क्वेश्चन में टाइम दे रहे हो तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं टाइम दे रहा था और अब ये मैं इसमें पहले लगने थे 30 सेकंड, अब लग रहे हैं 1 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है किसमें, टैलेंट टैक्स में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, कुछ भी हो सकता है ये क्वेश्चन, इसमें एक फोटो बनी हुई है रैबिट की, नंबर 1 पे एक बनी हुई है टाइगर की, ठीक है। पूछा कि अबव उसमें कौन कौन से एनिमल है, आपने देखा टाइगर रैबिट और आपने इसको
सही कर दिया, ठीक है। आपने बाकी के ऑप्शन पढ़े नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे रैबिट है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बाकी ऑप्शन पढ़ो, रैबिट डॉग ये तो नहीं होगा, डॉग पैरेट ये भी नहीं होगा, रैबिट टाइगर ये इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में पहले रैबिट है उसके बाद टाइगर है, तो पहले जो आंसर की सीक्वेंस है उसमें भी रैबिट और टाइगर होगा। अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सपोज नहीं होता, ये वाला ऑप्शन यहाँ ना दिया होता, इसकी जगह कुछ और होता, सपोज इसकी जगह लिखा होता डॉग एंड डंकी, ठीक है, तो आपका टाइगर रैबिट सही हो जाता। लेकिन जब यहाँ टाइगर रैबिट दिया और रैबिट टाइगर दिया हुआ है, तो आपका रैबिट टाइगर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो सीक्वेंस आ रही है वो पहले रैबिट आ रहा है फिर आपका टाइगर आ रहा है। लास्ट ईयर क्लास 8th के एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन जो है 50% बच्चों का इसी चक्कर में गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहला ऑप्शन देखा और उसी को टिक कर दिया, लास्ट तक वो गए ही नहीं। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप पहुंचते हो ना, आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आपको रहता है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूं, जल्दी जल्दी पढ़ लूं, और इसी चीज का एग्जामिनर फायदा उठा लेता है और आप कुछ क्वेश्चन गलत कराते हो। तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा एक क्वेश्चन इस बार 8th या 9th क्लास में जरूर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद पे अटेंशन टू व्हाट यू सॉल्व एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको दे दिया कि भाई 4√x इज इक्वल्स टू 16, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स इज इक्वल टू क्या। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने इसको सॉल्व किया, ये यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, आपने जल्दीबाजी में ऐसे सॉल्व कर लिया कि ये 4 आ गया। अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं, सपोज 4 दिया हुआ है, फिर बी आपको 8 दिया हुआ है, सी 16 दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे 4 आ गया, आप ये यहाँ पे रख दोगे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने क्या सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया √x इज इक्वल टू 4, और वो पूछ क्या रहा है x की वैल्यू क्या है। तो अगर √x 4 है तो x तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू तो 16 आएंगी ना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा था कि क्या पूछा जा रहा है और आपने क्या सॉल्व किया, आपने सही करता हुआ क्वेश्चन अपना गलत कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी है, यही चीजें आपकी नर्व्स को टेस्ट करती हैं कि आप कॉम्पिटिशन के लिए कितना प्रिपेयर है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर हो गए, ये चीजें आपकी नर्व्स को टेस्ट करती हैं और आपको बताती हैं कि हाँ आप बाकी लोगों से किन किन चीजों में आगे हैं। एक और चीज, वेस्टिंग टाइम ओवर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम फंस जाते हैं, तो आप ये मान के चलो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 1 मिनट 1.5 मिनट लगा चुका हूँ लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा हूँ, ये सॉल्व होता दिख नहीं रहा है, तो स्मार्टनेस दिखाइए और इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है उस समय सॉल्व कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हो सकता है वो क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट हो, उसको कोई कर ही ना पा रहा हो, यहाँ पे आपकी रिलेटिव रैंक आएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने 80 नंबर का सॉल्व किया और अगले ने 100 नंबर का सॉल्व किया तो आपकी रैंक इससे मार्क्स से रिलेटेड है, नहीं, हो सकता है जो टॉपर है उसने 100 में से हो सकता है 90 नंबर का सॉल्व किया, हो सकता है ये क्वेश्चन वो भी ना कर पा रहा हो क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट है। तो जो क्वेश्चन जो आपका टाइम ज्यादा खा रहे हैं, सपोज अब इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट उलझे रहे, इतने में आप इजी वाले 5 क्वेश्चन कर देते, ठीक है। अब इसमें उलझने की वजह से आपने इस 4 नंबर के क्वेश्चन को करने की वजह से आपने अपने 20 मार्क्स का नुकसान कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट रहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे टाइम लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ये मैंने आपको जब मैं सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराता हूँ ये मैंने आपको बातें तब भी बताई हैं, और लास्ट बस नॉट द लीस्ट, ये डिजास्ट्रस मिस्टेक हो सकती है, नंबरिंग मिस्टेक्स इन आंसर मार्किंग, ये कई बार बच्चे गलती से कर देते हैं और इट इज अ डिजास्टर। आपने सारा पेपर सॉल्व कर लिया, यूजुअली क्या होता है कि पहले हम पेपर सॉल्व करते हैं और OMR शीट को बाद में मार्क करते हैं, और कहीं भी एक ऑप्शन हमारा गलत हुआ, सपोज 1 क्वेश्चन में हमने 2 का आंसर लगा दिया और आपकी पूरी OMR शीट गलत भर जाएगी, उससे क्या हुआ, आपने 2 घंटे लगा के पूरा सॉल्व किया लेकिन मार्किंग करने में, जो कि एक छोटी सी चीज थी, मार्किंग करने में कई बार कोई लोग सोचते हैं कि OMR में ऐसे में यही तो भरना है, इसमें क्या गलती होगी, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस गलत कर दी तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और ये आपकी रैंक को डिजास्टर तरीके से नीचे कर देगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल और विजिलेंट रहना है जब आप आंसर मार्क कर रहे हैं, आंसर शीट में OMR शीट में क्वेश्चंस आंसर्स की सीक्वेंस चेक कर लो, यूजुअली ऐसे होता है 1 2 3 4 वर्टिकली डाउन होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 इस तरह भी होता है, तो अगर ऐसे वर्टिकली डाउन है तो 1 का आंसर यहाँ, 2 का यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं कि सीक्वेंस क्या है, 1 का आंसर यहाँ लिख दिया, 2 का यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ आएगा 7 8 9, ठीक है, यहाँ 3 का लिख दिया और बाद में देखा, अरे यार, और चूंकि आप तो पेन से भर रहे हो तो आप इसको चेंज भी नहीं कर पाओगे, टैलेंट एक्स में आपने पेन से भरना है, तो फिर आपने देखा, अरे ये तो मैंने 1 का लिख दिया, ये 2 का, ये 3 का, जबकि 2 और 3 का तो यहाँ लिखना था, बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको OMR शीट भी दोबारा नहीं मिलेगी,
ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे माइंड में थी, मुझे लगा आपको समझ आनी चाहिए, और ये मुझे एक्सपीरियंस से ही ये चीजें मैंने देखी हैं कि बच्चे यूजुअली ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपको लगता है और भी कोई सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखो, आपके कोलिग्स की हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी है सारी गलतियां खुद करके सीखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलतियां आप नहीं करेंगे और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देंगे। मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।